हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, हूं अभी मैं रियाद में आजमी भाई के पास और सब भाई लोगों के साथ में आया हूं नाश्ता करने। और चलिए आपको भी दिखाता हूं कहां नाश्ता करूंगा और क्या क्या नाश्ता करेंगे हम लोग, सब कुछ आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत खुश हूँ, और इसलिए खुश हूँ कि मैं हमेशा मतलब मजरे में ही रहता था, वीडियो बनाता था, घूमता था, और इधर फर्स्ट टाइम घूम रहा हूँ रियाद में, नहीं तो ऐसे अकेले कभी घूमा नहीं था फ्रेंड्स। तो चलिए अंदर चलता हूँ, ऐसा डर लग रहा है मुझे अकेले कहीं जाने में। और वहाँ पे आपको दिखाऊं तो आदमी भाई बैठे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं, और देखिए भाई लोग भी बैठे हैं यहाँ देखिए। और ये आदमी भाई, हम लोग मतलब चार लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए। तो अभी देखिए क्या आता, क्या क्या हम लोग नाश्ता में करेंगे आदमी भाई? चाय और पराठा। तो यहाँ आपको दिखाऊं किस तरह से बन रहा है, यहाँ देखिए वो पराठा जो बन रहा है। और इधर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितना बड़ा तावा सा है, और ये बना रहे हैं। और यहाँ देखिए ये भाई है पैसा वैसा काटने के लिए। तो अभी पराठा आएगा फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा पराठा आ रहा है, और चाय के साथ हम लोग नाश्ता करेंगे। और उसके बाद जाना है फ्रेंड्स मेरे लिए माइक खरीदने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आया हूँ अगर माइक नहीं लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले दिखाऊं, परोठा आ गया है, ये देखिए परोठा कैसा है। और इसके साथ में चाय आएगा, अभी लगता है एक परोठा कम है तो देखिए बाद में आएगा। और फ्रेंड्स माइक में अगर यहाँ पे नहीं लूंगा ना तो चला जाऊंगा, अगर मैं वहाँ नजरार में तो वहाँ ऐसी एरिया है कि फिर मिलेगा नहीं, मैं परेशान हो जाऊंगा, ले ही नहीं पाऊंगा। सोच रहा हूँ कैसा मौका मैं गवाऊं नहीं, माइक लेके ही जाना है। तो फ्रेंड्स अभी चाय भी आ गया, और यहाँ पे आप लोग देखिए आजमी भाई नाश्ता किस तरह से कर रहे हैं। और मतलब इन भाई लोगों का डेली का यही मतलब रूटीन बना हुआ है नाश्ता करने का, और आज मैं भी साथ में नाश्ता कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, अभी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद निकलूँगा फ्रेंड्स जरीन बुक स्टोर, वहाँ पे जो माइक लेना वो लूँगा। और आज हमको एकदम किसी न किसी तरह निकल जाना है फ्रेंड्स, तो नजरान के लिए, नहीं तो बहुत टेंशन बन जाएगा मुझे। तो चलिए जहाँ भी घूमूंगा आज वीडियो में आप लोगों को दिखाता रहूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी नाश्ता वास्ता कर लिए हम लोग और वहाँ से निकल चुके हैं, और यहाँ देख रहे हैं आप लोग गाड़ी, और ये भैया लोग देख रहे हैं आप लोग, और आजमी भैया को देखिए गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग भी चल रहे हैं बैठने के लिए, और चलेंगे अभी ये भैया लोगों को छोड़ने के लिए वहाँ कंपनी में, और वहाँ से फ्रेंड्स हम लोग निकलेंगे जो भी सामान वामान लेना है। उसके बाद दिखाऊंगा आगे क्या क्या होता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे घूम रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे घूमने में। तो चलिए चल रहा हूँ अभी कार में बैठने, खुल जाएगा इधर से गेट। तो अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ फ्रेंड्स, अभी निकल चुके हम लोग यहाँ देखिए। और थोड़ा सा मैं कैमरा चालू रखूँगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए। इसीलिए मैं फ्रेंड्स कल रात में नहीं निकल रहा था, मुझे पता था कि अगर मैं निकलूँगा इधर उधर थोड़ा भी भटक गया तो फिर तो भटका ही रह जाऊँगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं कल निकला नहीं। ये गली गली पतला पतला गली है, जैसे हम लोगों का वो मुंबई में है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रास्ते में हैं, और कितना दूर पड़ेगा आदमी भैया अभी कंपनी आपका? तकरीबन अभी एक घंटा लग जाएगा, देखो ये डायरी है, अभी तकरीबन एक घंटा लगेगा फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं नज़ारा, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए सारा वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ फ्रेंड्स। और यहाँ अभी तो बहुत कम है, मतलब उधर जिधर से हम लोग अभी गुजरे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, और यहाँ देख रहे हैं आप लोग सब कंस्ट्रक्शन लाइन है, चल रहा है काम, कंपनी का काम है सब। और फ्रेंड्स ये रियाद की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि अभी पीछे निकल गया, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं तो ये मुझे पता नहीं था, ये तो मैं आजमी भाई से थोड़ा सा जानकारी लिया हूँ इसके बारे में। और यहाँ देखिए आजमी भाई खुद बता रहे हैं, बताइए भैया इसके बारे में थोड़ा। तो ये जो मस्जिद है ना, राजू मस्जिद है, आप लोग को अगर सऊदी अरब में रहते होंगे जो भाई रहे होंगे उन लोगों को मालूम होगा, यहाँ पे ना हर नमाज के बाद दो चार जनाजा यहाँ पे रहता है रेगुलर। और ये रियाद की सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे पुरानी मस्जिद है और राजी मस्जिद, और ये फेमस मस्जिद है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैसे लेबर लोग काम कर रहे हैं, और ये काम फ्रेंड्स मैं खुद किया हूँ, मैं दुबई में था तो ये रोड का काम मैं खुद किया हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जहाँ पे भैया लोग काम करते हैं, आजमी भाई और इनके भाई साहब जो लोग हैं,
और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बस स्टैंड है और यहीं से हमको बस भी पकड़ना है ना आजमी भाई? नहीं, यहाँ से नहीं है। और यहाँ से बस नहीं पकड़ना फ्रेंड्स, ये लगता है कोई लोकल लोकल टाइप का है या लगता है चालू ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, पर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ आप लोग भी देखें। तो यहाँ देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अंदर और पता नहीं कैसा आवाज आ रहा है, और ये मैं घुस रहा हूँ बेसमेंट में, वहाँ देखिए ऊपर से बेसमेंट की तरफ घुस रहा हूँ, और मुझे पता नहीं है सामने क्या मिलेगा, क्योंकि आजमी भाई से जो भी मैं पूछा कुछ साफ साफ बताए नहीं है आजमी भाई। और यहाँ देखिए आ गया अंदर, तो मतलब काम ये भी चलता है क्या आजमी भाई? तो यहाँ देखिए मैं आ गया अंदर, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग सेटिंग कैसा, जहाँ पे ये लोग काम करते हैं भाई। अच्छा, ये तो लगता है जैसे फायर वाला, आदमी भाई ये तो फायर वाला काम है ना? नहीं, ये फायर वाला ही रूम है, जैसे कि बिल्डिंग में कहीं आग वग लग गई तो यहीं से सब कंट्रोल होता है। ये जो फिटिंग है आदमी भाई, ये मैं ड्राइंग से देख के इसका नीचे ही काट लेता हूँ, इतना मतलब मुझे पूरी जानकारी थी, लेकिन मैं सेटल नहीं हो पाऊंगा ना, ये मुझे पता है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा जो ये एकामा है ना वो छोटा है और इतना औकात नहीं है। मैं पिछले भी वीडियो में बताया था आजमी भाई कर रहे हैं यही सब काम करने के लिए, मैं बता रहा था, पर 1000 रियाल लगेगा और मैं 1000 रहेगा तो मैं घर पे अपना कुछ करूंगा। और यहाँ देखिए दिखा रहे हैं, ये तो एसी लाइन का काम है ना? ब्लैक वाला ये कॉपर का है, हाँ ठीक है, ये वाला ये अच्छा, हाँ हाँ वो आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन, हाँ और ये इलेक्ट्रिकल बुक लगा, ये सब पैनल है, कंट्रोल पैनल है, ये मतलब इसके अंदर जितना भी काम हो सब हमारे कंपनी का काम है। तो चलिए और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है अपने, और मुझे भी घूमने को मिल रहा है और आप लोगों को भी साथ में दिखाऊंगा। और मैं तो ये सब सऊदी में देखा नहीं था, पर दुबई में देखा था, ऐसा काम भी किया था, पर इतना फ्रेश जगह पे नहीं आया था, क्योंकि जो काम मैं कर रहा था वो काम करने के बाद फ्रेंड्स ये सब मतलब इतना सफाई बाद में होता है क्या आदमी भैया? ये हम लोगों का काम होने के बाद, और इन लोगों का काम है जो आदमी भैया का इलेक्ट्रीशियन का काम है, ये तो इससे स्टार्ट इस मतलब पहले से ले के और लास्ट तक होता होगा, क्या सही बात है ना? तो चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा इस ब्लॉग में फ्रेंड्स। और मुझे भी ये ब्लॉग शूट करते हुए बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। तो फ्रेंड्स मैं सोचा था इस ब्लॉग को थोड़ा लंबा खींचूंगा और बहुत कुछ दिखाऊंगा, और घूमने की मेरा भी बहुत ज्यादा चाहत है कि मैं बाहर घूमूं और अच्छा अच्छा चीज देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। लेकिन फ्रेंड्स ये जैसे बस स्टैंड में आप लोगों को पहले दिखाया था, जो कि इसके अंदर आजमी भैया और उनके ब्रदर जो भाई लोग हैं वो सब लोग भाई लोग इसी में काम करते हैं, मैं अंदर भी घूमा था, आप लोगों को कुछ सीन भी दिखाया था फ्रेंड्स। और अभी लगता है कि आजमी भाई किसी काम में फंस गए और बाहर नहीं आ रहे हैं, जैसे मैं इसके अंदर बैठा हुआ था फ्रेंड्स, मतलब ऊपर में वो लोग बेसमेंट में, और मैं बार बार जाना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं अभी वीडियो को एंड करूँगा फ्रेंड्स। पर इधर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊँ नज़ारा जहाँ पर मैं आया हूँ, और बाहर घूम रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत बिंदास, लेकिन जानते हैं मेरे मन में थोड़ा सा डर बना हुआ है। डर इसलिए बना हुआ है ना कि मेरा जो एकामा है ना ये आज शहर में घूमने वाला नहीं है, जो जैसे कि आमिन मंजिली का है तो कुछ भाई लोगों को समझ में आता होगा, इसका मतलब है कि घर का नौकर, मेरा समझ से इसका मतलब है घर का नौकर, तो मैं घर का नौकर हूँ तो यहाँ शहर में घूमूंगा ना तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे पता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा डर भी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, मैं जाता हूँ अंदर और आदमी भाई से भेंट होता है कि नहीं, पर मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। और मेरा सोच है कि ये जो बस देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए जो बस देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ इस पर टूर करूँ एक बार, तो उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चल रहा हूँ अभी अंदर बैठूंगा, और आदमी भाई जैसे निकलेंगे मैं बोलूंगा कि भैया जो भी टिकट लगे एक बार चलते हैं इसका टूर करते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।